दिल्ली एनसीआर में हुई मामूली बारिश और खुल गई नगर निगम की पोल। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़कों पर जाम और जल भराव की समस्या पैदा कर दी है। गाजियाबाद के कई इलाके जैसे वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम में नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। दिक्कत मन पूरा दिक्कत ही दिक्कत है भाई। पूरा गंदगी, पूरा एरिया भर का गंदगी यहीं पे आके जमा हो जाता है पूरा। बस हल्का बारिश हो तो भी भर जाएगा। शिकायत मन क्या सब समय बोलते हैं, लेकिन कहाँ कुछ इसका कुछ इलाज होता नहीं है। आज से नहीं, 6-7 साल से बोला जा रहा है। बारिश के कारण जलभराव के साथ साथ जाम की तस्वीरें भी देखने को मिली। मुख्य चौराहों पर लोगों को ऑफिस जाते हुए भीषण जाम से रूबरू होना पड़ा। 2 घंटे से जाम लगा हुआ है और अगर पुलिस व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त होती तो जाम हटाने में इतना टाइम नहीं लगता। ना तो इतना पानी का भराव है, ना तो इतना पानी बरसा हुआ है। ये लगभग बारिश में हर बार लगता है, थोड़ी सी बारिश के कारण लगभग कम से कम 1-1.5 घंटा फंसना पड़ता है जाम में। हर बारिश का ये है। गाजियाबाद के लोगों ने इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन को ठहराया। न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से पिंकी शर्मा की रिपोर्ट।